पहले हमें एक सॉक्स लेना है, फिर उसके टॉप वाले साइड से हमें कट करना है, ऐसे। इस पार्ट को हम रखेंगे। देखिए मैंने कट कर लिया है। हमें सॉक्स के अंदर ये राइस पोर करना है। देखिए मैंने राइस पोर कर लिया है। पोर करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब हमें रबर से इसे टाई करना है। ये देखिए मैंने इसको टाई कर लिया है। अब हम इधर से कट करेंगे इसको। ये देखिए मैंने इसे कट कर लिया है। अब हमें यहाँ पर एक रबर बैंड टाई करना है। जो हमने पहले जो कट किया था सॉक्स, हम उसको थोड़ा थोड़ा नीचे से फोल्ड करेंगे। ये देखिए मैंने सेंटा क्लॉस की कैप बना ली है। ये देखिए हमारा सेंटा क्लॉस। अब हम इस कैप को एक पिन की हेल्प से फिक्स कर लेंगे। अब हम गूगली आईज पेस्ट करेंगे। देखिए मैंने स्नोमैन की आईज पेस्ट कर ली है। अब हमने जो एल्पिन लिया था उसको हम इसकी एज नोज पे ऐसे अंदर इंसर्ट कर लेंगे। देखिए मैंने एक टाइल लिया है दोस्तों, ये मैंने लेस से बनाया है, फिर उसको मैंने टाई कर लिया। अब हम और एक एल्पिन लेके इसके कैप पे ये एल्पिन इंसर्ट कर लेंगे। अब ये रिबन का थोड़ा सा नीचे से हम छोटा कर लेंगे। ये करने के बाद हमें थोड़ा सा पर्पल रिबन लेना है। अब हम इस रिबन को टाई कर लेंगे। ये मैंने टाई कर लिया है और अब हम इसे क्रॉस में कट करेंगे। देखिए मैंने कट कर लिया है। अब हम एक रेड रिबन लेंगे और इस स्नोमैन के, ये देखिए मैंने ऊपर टॉप पे टाई कर लिया है। अब हम इधर बटन पेस्ट करेंगे। ये देखिए हमारा स्नोमैन रेडी है।